सवाल में आपको दे रखा है कि आपके पास एक वेज है ऑफ इंक्लिनेशन एंगल थीटा और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। पूछा गया है कि इस वेज को मिनिमम कितना एक्सेलरेशन दिया जाए सो दैट ये ब्लॉक इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पे रह सके। तो अगर मैं इसको एक्सेलरेशन ए देता हूँ और इसको रेस्ट पे रखता हूं इसके रिस्पेक्ट में, मतलब क्या है, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी है ए। वैसे मुझे इस एक्सेलरेशन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, पर हमें मालूम होना चाहिए कि अगर ब्लॉक एक्सेलरेशन वेज एक्सेलरेशन ए से जा रहा है और वेज के रेफरेंस फ्रेम में ये ब्लॉक भी रेस्ट पर है तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी ए होना पड़ेगा। अब अगर हम चाहते हैं कि ये रेस्ट पे रहे तो इन रेफरेंस फ्रेम ऑफ वेज इस पे इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, लेकिन जैसे ही मैं वेज के रेफरेंस फ्रेम में जाता हूं तो ये एक एक्सेलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम है, वेज एक्सेलरेट कर रहा है एक्सेलरेशन ए से, इसलिए इस ब्लॉक के ऊपर एक स्यूडो फोर्स लगेगा। सुडो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन। इसलिए अगर मैं इस ब्लॉक का मास एम मान लेता हूं तो फोर्सेस कैसे लगेंगे इसके ऊपर, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, सुडो फोर्स एम ए, एक फोर्स लगेगा ग्रेविटी का एम जी, और एक फोर्स लगेगा नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स को मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं ताकि कंपोनेंट्स वगैरह करने में आसानी रहे। अब हमें चाहिए ये ब्लॉक रेस्ट पे रहे इसके रेफरेंस में फ्रेम में, मतलब इस रेफरेंस फ्रेम में इसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो होना चाहिए जीरो। नेट फोर्स जीरो होने के करना है मेरे को, इसके लिए हमें इन तीनों फोर्सेस का सम जीरो करना है और इन तीनों फोर्सेस को ऐड करने के लिए मैंने अपनी एक्सिस सिलेक्ट करी कुछ इस तरीके से कि पैरेलल टू द इंक्लाइन जो है वो है एक्स एक्सिस और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन को मैंने बोल दिया वाई एक्सिस। अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा, दैट मीन्स ये वाला एंगल हो गया फिर से थीटा। ऑल्सो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो गया। इसलिए मैं इस एम जी और एम ए के आराम से कंपोनेंट्स कर सकता हूं। इधर आ गया एम जी कॉस थीटा और इधर आ गया एम जी साइन थीटा, इधर आ गया एम जी कॉस थीटा। एम ए के कंपोनेंट्स इस डायरेक्शन में आ गए एम ए कॉस थीटा और इस डायरेक्शन में आया एम ए साइन थीटा, तो यहीं पे ऐड कर देता हूं प्लस एम ए साइन थीटा। थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कॉस थीटा, दूसरा वाला कंपोनेंट साइन थीटा। तो अगर मैं इस सिस्टम की वाई डायरेक्शन की इक्वेशन लिखूं तो वाई डायरेक्शन में क्या होगा, नॉर्मल फोर्स माइनस दिस फोर्स मस्ट बी जीरो, मतलब नॉर्मल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू दिस फोर्स एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा। तो वाई डायरेक्शन में तो जो भी आना था उसको नॉर्मल फोर्स बैलेंस कर देगा, रिक्वायरमेंट के हिसाब से नॉर्मल फोर्स एडजस्ट हो जाएगा और वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो आ जाएगा। पर अगर एक्स डायरेक्शन के बारे में बात करें, एक्स डायरेक्शन में क्या हो रहा है, एम जी साइन थीटा इस तरफ और पीछे की तरफ लग रहा है एम ए कॉस थीटा, मतलब एम जी साइन थीटा माइनस एम ए कॉस थीटा हैज टू बी इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज एम कॉमन आके कैंसिल हो गया, ए इज इक्वल टू जी टैन थीटा। तो आपका ये जो ब्लॉक है जो वेज है इसका एक्सेलरेशन अगर जी टैन थीटा होगा तो ये ब्लॉक इस वेज के ऊपर रेस्ट पे रहेगा, स्लाइड नहीं करेगा।